सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय माता दी बंधुओं, एक बार फिर से स्वागत है आपका देशी भक्ति यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आज के राशिफल के बारे में। जानिए क्या कहती है आपकी राशि और कैसा रहेगा आपका आज का दिन। बंधुओं, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बताने जा रहे हैं आज का सुविचार। संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। आनंद वहां नहीं है जहां धन मिले, आनंद तो वहां है जहां मन मिले। न किस्सों में है और न किस्तों में है, जिंदगी की खूबसूरती चंद सच्चे रिश्तों में है। आपका दिन शुभ हो। आज का पंचांग 25 नवंबर दिन शुक्रवार, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वितीया, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944, शुभकृत संवत्सर मार्गशीर्ष द्वितीया तिथि रात के 10:35 तक उपरांत तृतीया, नक्षत्र ज्येष्ठा शाम के 5:21 तक उपरांत मूल, करण बालव दोपहर के 12:07 तक बाद कौलव रात के 10:35 तक बाद तैतिल, नवंबर 25 शुक्रवार को राहु सुबह के 10:53 से दोपहर के 12:13 तक है, शाम के 5:21 तक चंद्रमा वृश्चिक उपरांत धनु राशि पर संचार करेगा। सूर्योदय सूर्यास्त का समय, सूर्योदय सुबह के 6:51, सूर्यास्त 5:36 PM। सिंह दैनिक राशिफल। आपका आकर्षक बर्ताव दूसरों का ध्यान आपकी तरफ खींचेगा। आज यदि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं तो पैसा सोच समझकर खर्च करें, धन हानि हो सकती है। जितना आपने सोचा था आपका भाई उससे ज्यादा मददगार साबित होगा। ताजा फूल की तरह अपने प्यार में भी ताजगी बनाए रखें। आप किसी बड़े व्यावसायिक लेनदेन को अंजाम दे सकते हैं और मनोरंजन से जुड़ी किसी परियोजना में कई लोगों का संयोजन कर सकते हैं। आपके द्वारा आज खाली समय में ऐसे काम किए जाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर सोचा करते हैं, लेकिन उन कामों को कर पाने में समर्थ नहीं हो पाते। जीवन साथी के साथ आज की शाम वाकई कुछ खास होने वाली है। आपके द्वादश भाव में चंद्रमा के होने से अचानक से किसी चीज पर खर्च आज के दिन करना पड़ सकता है। घर की किसी कीमती चीज में खराबी आ सकती है। जो लोग आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर हैं, उनके लिए आज का दिन सुखद हो सकता है। आज ध्यान की गहराइयों को आप छू सकते हैं। किसी पुराने मित्र से इस राशि के कुछ जातकों की मुलाकात आज के दिन हो सकती है। स्कूल में पढ़ रहे छात्रों को आज अपने अध्यापकों से किसी बात को लेकर डांट सुननी पड़ सकती है, जिससे उनका मन निराश होगा। ऐसे में पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें व अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। उपाय, अपने चरित्र को सदा बेदाग रखना आर्थिक स्थिति के लिए शुभ है। भाग्य 62% तक साथ देगा। सूर्य देव की आराधना करें। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ ना कुछ नई जानकारी अपने भविष्य के बारे में पता चली होगी। इसलिए यह जानकारी अपने तक ना रखें, इसे अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।